बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द इक्विलिब्रियम। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द इक्विलिब्रियम। When moles of products are less than the moles of reactants, so then with rise of pressure, volume decreases and reaction moves in forward direction. Because moles of products are less, therefore reaction moves in forward direction until equilibrium is attained again. जैसे 2SO2 plus O2, 2SO3 बन जाएगा. Let T is zero. ये A moles हैं SO2 के और O2 के B moles हैं और SO3 अभी बना ही नहीं, zero moles हैं. After time T. ए माइनस टू एक्स, ये टू मोल्स हैं तो एक एक्स मोल के लिए वन एक्स शो करते हैं, तो टू एक्स इसमें से डीकम्पोज हो जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा ए माइनस टू एक्स और बी माइनस एक्स, क्योंकि इसका एक मोल है तो बी माइनस एक्स रह जाएगा, तो इसके टू एक्स मोल्स बन जाएंगे, क्योंकि हम कंसनट्रेशन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में शो करते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस टू एक्स ओवर वी, टोटल वॉल्यूम पर डिवाइड कर दें तो ये कंसनट्रेशन के यूनिट मोल से मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में आ जाएंगे, बी माइनस एक्स ओवर वी और टू एक्स ओवर वी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। वी बेसिकली डिवाइड किया है कि हम यूनिट मोल से मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज कर रहे हैं। केसी आपके पास है प्रोडक्ट कंसनट्रेशन एसओ थ्री, इसकी यहाँ पे टू है कोएफिशिएंट, तो रेज टू टू डिवाइडेड बाई एसओ टू रेज टू टू और ओ टू रेज टू वन। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो SO3 की वैल्यू 2x ओवर v, तो ये आ जाएगा 2x ओवर v, इसकी पावर 2 है तो पावर रेज टू 2 आ गया। SO2 जो है इसकी वैल्यू है a माइनस 2x ओवर v, तो a माइनस 2x ओवर v रेज टू 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। O2 की जो वैल्यू है मोलर कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम t, ये है b माइनस x ओवर v, तो ये आ जाएगा b माइनस x ओवर v। मल्टीप्लाई कर लें इसे, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो फोर एक्स स्क्र ओवर वी स्क्र आ जाएगा, इसको v के लिए हल करें तो v स्क्र और v जो है मल्टीप्लाई होकर v क्यूब हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम उल्ट हो जाएगी, ये v ऊपर चला जाएगा, ये a माइनस टू एक्स नीचे आ जाएगा, तो v क्यूब आ गया ऊपर, नीचे आ जाएगा a माइनस टू एक्स स्क्र इंटू बी माइनस एक्स। वी क्यूब और वी स्क्र है तो एक ये दो वी स्क्र से दो वी इधर कट जाएंगे, सिर्फ एक वी रह जाएगा, ये आ जाएगा के सी इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्र इंटू वी ओवर ए माइनस टू एक्स स्क्र इंटू बी माइनस एक्स। वेन प्रेशर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम इज डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड रिएक्शन मूव्स इन डायरेक्शन इन विच एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, एक्स जो है इज, एक्स क्या है चीज़ है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, तो एक्स है इज इंक्रीज। आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब वॉल्यूम कम करेंगे तो क्योंकि एक्स उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, केसी की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी, तो फिर अगर वी कम होगा तो एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो रिएक्शन देन वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एंड रिएक्शन मूव्स इन डायरेक्शन इन विच एक्स इज इंक्रीज्ड, तो इट इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, तो एक्स उसी वक्त बढ़ सकता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अगेन, तो इस तरह दोबारा यहाँ तक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वेन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेस तो देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो देन विद राइज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जिस तरह मोल्स कम होंगे, वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन उधर मूव करेगा अनटिल इक्विलिब्रियम अगेन। जैसे आपके पास पी सी एल फाइव है, पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, तो ये लेट इसके ए मोल्स हैं, ये जीरो मोल्स हैं और इसके जीरो मोल्स हैं, इसमें दो मोल्स हैं इसके प्रोडक्ट के और एक मोल है पी सी एल फाइव का, तो रिएक्टेंट के मोल कम है। टी इज इक्वल टू टी, तो इसमें से कुछ डीकम्पोज हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स, ये एक्स मोल इसके बन जाएंगे और इसके भी एक्स मोल बन जाएंगे, क्योंकि ये एक मोल है, ये भी एक मोल है और ये भी एक मोल है। अब मोलर कंसनट्रेशन आपने शो करनी है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो टोटल वॉल्यूम पे तकसीम कर दें, तो ए माइनस एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी और ये भी आ गया एक्स ओवर वी, तो ये मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में कंसनट्रेशन आ जाएगी। अब के सी आपके पास है पी सी एल थ्री कंसनट्रेशन इंटू सी एल टू, ये प्रोडक्ट कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट पी सी एल फाइव कंसनट्रेशन, इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ये है पी सी एल थ्री की है एक्स ओवर वी और सी एल टू की भी एक्स ओवर वी है और पी सी एल फाइव की है ए माइनस एक्स ओवर वी। इसको v के लिए हल कर लें, ये v अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डमियन को मल्टीप्लीकेशन बदलेंगे तो ये हो जाएगा v ओवर a माइनस एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्र ओवर वी स्क्र मल्टीप्लाइड बाय v ओवर a माइनस एक्स, v से v कट जाएगा तो ये रह जाएगा एक्स स्क्र ओवर v इन टू ए माइनस एक्स, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसमें क्या है कि वेन प्रेशर राइजेज तो वॉल्यूम फॉल्स कम हो जाएगा, तो x हैज टू फॉल, तो x को भी कम होना पड़ेगा क्योंकि x और वॉल्यूम डिवाइड कर रहे हैं,
जब इसको तुम केसी की वैल्यू ने तो चेंज नहीं रहना, तो कीप द वैल्यू ऑफ केसी कांस्टेंट। तो अगर आप एक्स वी को कम करेंगे तो एक्स को भी कम करना पड़ेगा। अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे होते फिर एक को कम करते तो दूसरे को बढ़ाना पड़ता, जब डिवाइड कर रहे हो तो एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, तब ये कांस्टेंट रहेगा इसका। तो व्हेन प्रेशर राइजेज वॉल्यूम फॉल्स, एक्स हैज टू फॉल टू कीप केसी कांस्टेंट। तो रिएक्शन, अब केसी एक्स हैज टू फॉल, फॉल किधर होगा, मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अगेन, यहां तक कि दोबारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद।